सबसे पहले मैं अपना सिबिल स्कोर आपको दिखा रहा हूँ, शायद आप मोबाइल के स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं अपना सिबिल स्कोर का जो ख़राब होने का जो रीज़न था दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया था और लोन लेने के बाद में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई कि मैंने वो लोन को मैं प्रॉपर भर नहीं सका, मतलब टाइम टू टाइम नहीं कर सका और वो लोन धीरे धीरे मेरे ऊपर आते गया। हालाँकि अभी के टाइम में आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस का जो यहाँ पे लोन है, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्लोज हो चुका है राइट यहाँ पे, और एक्टिवेट है। अभी जो एक्टिव है वो है यहाँ पे मेरा जो कार्ड जिससे मैंने लोन लिया था, वो कार्ड जो था वो कार्ड यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पे दूसरा वाला जो एक कार्ड है वो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है, इस कार्ड ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं बिल्कुल आपको सही तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने भी बैंक ऑफ बड़ौदा में जब लोन लेने गया था, 549 मेरा सिबिल स्कोर हो चुका था, और मेरा सिबिल स्कोर इतना ख़राब हो गया था मुझे खुद ही नहीं पता था, जबकि मैंने लोन सारे पूरे कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद गया कि चलो भाई थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर के, और मैं थोड़ा और भी कुछ काम था मेरा, मतलब बहुत मजबूरी ऐसी थी। अब ये सारे बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको डिटेल्स में ये भी पता चल जाए कि सिबिल स्कोर आखिर खराब कैसे हो जाता है या मेरे साथ कैसे हुआ, और आपको इस तरह से गलती नहीं करना। देखो जब भी आप लोन ले रहे हो, कहीं से भी लोन ले रहे हो, तो आप आगे पीछे थोड़ा देख करके लोन लीजिए कि जितना मैं लोन ले रहा हूँ यार उसे मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बदले में मैं क्या दे सकूँ जबकि वो लोन क्लोज हो जाएगी, मतलब कि कोई मुझे और पर्सनली कोई हेल्प करने वाला है या नहीं। तो मुझे कोई भी पर्सनली हेल्प करने वाला नहीं था, और बाद में ये इतना खराब हो गया कि 549 मेरा सिबिल स्कोर इतना खराब हो गया था। दोस्तों यहाँ पे ये सारे पीडीएफ फाइल है, बाकी सारे चीज़ मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा यही पीडीएफ फाइल आपके सामने भी आ जाएगा और आप भी अपने हिसाब से देख सकेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ वैसे ही आप कीजिए। नेक्स्ट मंथ में आपका सिबिल स्कोर जो है ना, एक जो एवरेज सिबिल स्कोर होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ भी अपना स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आज के समय में मेरा सिबिल स्कोर दोस्तों ये है 819 मेरा सिबिल स्कोर है। तो देख सकते हैं 549 सिबिल स्कोर से मैं 819 मेरा सिबिल स्कोर कितना जल्दी मैंने इंक्रीज किया, और ये कहीं ना कहीं ये जो हुआ है और सिर्फ एक बैंक की वजह से हुआ है। सारे चीज़ इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल की आने वाली वीडियो आप बिल्कुल ही मिस नहीं कर पाए। दोस्तों आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ मैं बताना जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसके रिलेटेड, आपको कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं प्रॉपर गाइड आपको दे सकूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर अगर खराब हो गया है और आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं है, तो आपको देखिए इधर उधर फॉर्म भरने से, ऑनलाइन रिपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। आप उसी कंपनी के पीछे आप पड़ जाओगे कि हमने आपको, मतलब कस्टमर केयर से बात करोगे, परेशान हो जाओगे, ब्रांच में जाओगे, इधर उधर जाओगे, भाई फाइनली आपको नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट, और मिल भी गया तो बहुत टाइम लगेगा। आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको जो है ना एक क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू करना है। ये जो क्रेडिट कार्ड आप देख पा रहे हो ना, ये क्रेडिट कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री मिला हुआ है, और आपको भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो मिलेगा, आप किसी भी बैंक को लेना चाहो तो ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक अगर आपको नहीं दे रहा है तो आप नहीं ले सकते हो। अब किसी भी बैंक में अप्लाई कीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक थंबनेल है और इसकी वीडियो मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे देख करके आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। विद इन ही मतलब 10 डेज के अंदर अंदर में कार्ड आपके घर पे आ जाएंगे। इंडिया के कौन सा भी बैंक रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट। कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया है तो आप देख लीजिए। और ये कार्ड मैंने ऐसे ही मंगाया अपने घर पे, और इसी कार्ड के मदद से मेरी जितनी भी प्रॉब्लम थी दोस्तों, आज जो मेरा सिबिल स्कोर सही हो गया है। तो आपको क्या करना है, देखो जब क्रेडिट कार्ड आपको आ जाता है तो आप क्या ना फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से ये सारे चीज किया था। आप 200 रुपए का सामान लो या 500 रुपए का लोगो या 1000 रुपए का लो, ऐसा कुछ भी आप लीजिए, और उसे जब बिल जनरेट होता है ना तो उसे आप टाइम टू टाइम आप उसे क्लियर कर दीजिए राइट। एक और चीज मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेरा एक्सिस बैंक का, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे लाइव आपको दिखाता हूँ। तो आप क्या कीजिए, टाइम टू टाइम उसे क्लियर कर दीजिए। जैसे आप उसे टाइम टू टाइम पेमेंट क्लियर करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड का जो रिपोर्ट है ना,
हर मंथ में, मतलब कि आपका सिविल स्कोर के ऊपर रिपोर्ट करता है ये बैंक जो है, रिपोर्ट करता है आपका सिविल स्कोर अगर खराब हो गया है तो ये जब रिपोर्ट करेंगे और जब सिविल स्कोर वाले जितने भी जो भी स्टाफ जो भी आपके स्टेटस को देखेगा और देखेगा कि इसके ऊपर कोई भी यार बैलेंस लोन नहीं है और मतलब कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं, अभी भी आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो 29,909 रुपए का मैंने हाल ही में, अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये, मतलब ये देखिए यहाँ पे सब दिखा रहा है। डीमार्ट से मैंने यहाँ पे शॉपिंग किया 5,796 रुपए का, या अमेजोन से मैं अभी 18,295 रुपए, फ्लिपकार्ट से भी मैं 4,250 रुपए। तो अभी भी अभी ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड है, मतलब कि इसके एड इसके अपग्रेड मैंने कार्ड को करवा लिया। ये नीचे में देख पा रहे हो ये न्यू कार्ड है और ये भी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो ये भी न्यू कार्ड है, राइट, ये भी न्यू कार्ड है। तो अभी क्या है, टाइम टू टाइम पे करो, ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा बजट लेकर के, देखो यही एक तरीका है जिससे आपका सिविल स्कोर इजी आपको एक महीने में आप बढ़ा सकते हो, बाकी कोई भी तरीका नहीं है। सही, आप परेशान हो जाओगे कस्टमर में कॉल करके कि भाई हमने आपका लोन तो 2017 में चुका दिया था, 18 में चुका दिया था, फिर अभी तक आपका मतलब ये सिविल स्कोर कैसे यहाँ पे इतना खराब कैसे हुआ आपकी वजह से। तो ये कुछ करके कुछ मिलेगा नहीं, टाइम बेकार होगा, वेस्ट होगा, मतलब कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए और 2,200-2,300 जो भी आपको लगता है आप शॉपिंग ऑनलाइन कीजिए, टाइम टू टाइम उसे पेमेंट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका सिबिल स्कोर चेक कीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। अब सिबिल स्कोर कैसे चेक करना है इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो दोस्तों बनाया हुआ है और इस वीडियो के सेकेंड वीडियो जो लिंक है, मतलब इस डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक है जिसे आप देख करके आप इजी अपना रियल सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। आप इधर भी प्ले स्टोर से जाके इधर उधर के मतलब एप्लीकेशन डाउनलोडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि सिविल स्कोर चेक करने के लिए, अपनी सिविल स्कोर जानने के लिए आपको अपने पैन कार्ड आपके पूरे डिटेल्स वहां पे डालनी होती है। तो कहीं भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट मत कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, एक वीडियो प्ले होगी और जो मैंने प्रोसेस बताया है वो कीजिए, गवर्नमेंट अप्रूवल है, आपके डॉक्यूमेंट के साथ में किसी तरह से कोई भी फ्रॉड नहीं होगा और आप 1 से 1.5 महीने में इजी आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। अगर कोई कहता है कि बिना क्रेडिट कार्ड के आप अपने सिबिल स्कोर बढ़िया कर सकते हो, तो भाई मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे प्रॉब्लम आपको झेलने पड़ेंगे और बहुत सारे टाइम लगेगा, उससे बेटर यही है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मंगाइए 50 दिन तक, तो इसके ऊपर ऑलरेडी आपको छूट मिलता ही है, 50 दिन के बाद आप इसे इसके पेमेंट को रिटर्न कीजिए, काम का काम भी हो जाएगा, आपको इंस्टेंट पैसे भी यहां से मिल जाएंगे और आपके क्रेडिट कार्ड हर महीने रिपोर्ट करने की वजह से आपके क्रेडिट कार्ड भी सही हो जाएगा। आई होप कि जो भी कुछ बताया इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी तरह से कुछ भी अगर दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल के आने वाले वीडियो आप बिल्कुल ही मिस नहीं कर पाए। मिलते हैं ऐसी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।